हाँ जी भैया, लाइव। नमस्कार सभी बीएलई भाइयों और बहनों को। मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं आज आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ जो हम लोगों ने सीएससी रूरल इमोबिलिटी के साथ जोड़ा है। हम लोगों ने अभी कुछ नई कंपनी जोड़ी है अपने साथ में, जिनमें कि हम लोग लीड जनरेशन का काम कर रहे हैं, जिनमें हम लीड जनरेट कर रहे हैं। और आपको ये बखूबी जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने अभी तक काफी इन कंपनियों में काम किया है और हम अपने आप को अब जो है सिर्फ सर्विसेज के फील्ड में ही नहीं, लीड जनरेशन वाले फील्ड में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अपने आप को हम लोग आज प्रूव करने के साथ आ गए हैं। तो हम लोग जैसा कि पहले भी हम लोग कई बार बता चुके हैं कि हम लोग हर बार कोशिश करते हैं कि अपने बीएलई भाइयों और बहनों के लिए हमारे पास कुछ नई हो, तो इस बार भी हम नया लेके आए हैं। हम लोग आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं एस्कॉर्ट ट्रैक्टर। तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का हम लोगों ने जो लॉन्च किया है वो 5 जून को 2022 को हुआ था, जिसमें हम लोगों ने एस्कॉर्ट के सभी ट्रैक्टर ब्रांड्स को और एग्रीकल्चर ब्रांड जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो एस्कॉर्ट बनाता है उन सभी को हमने अपने पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया था। इसमें करना क्या होता है और कैसे बीएलई को कमीशन मिलेगी और क्या क्या अवेलेबिलिटी है, आज हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, इन सभी चीजों पर रोशनी डालेंगे। आज मुझे ये बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे साथ एस्कॉर्ट की टीम भी है। हमारे साथ गौरव भटनागर जी हैं जो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर में अपना एक रोल निभा रहे हैं बखूबी नेशनल लेवल पे। गौरव जी स्वागत है आपका। नमस्कार गौरव चौधरी जी। नमस्कार, आप अपना स्क्रीन लाइव कर सकते हैं सर। जी। तो जैसा कि हम लोग बता रहे थे आप सभी को कि हम लोग एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स को लेके आए हैं क्योंकि हम लोगों का जो मेन नीम है वो रूरल इंडिया है, और रूरल इंडिया यानी कि रूरल इंडिया जाना ही दूसरे नाम से जाना जाता है, किसान के नाम से। तो किसान जो है हमारा, आज उसको किस तरीके से हमें बेनिफिट दे सकते हैं, किस तरीके से हम उसको जो उसकी एक टेक्नोलॉजी जोड़ देते हैं उसके साथ में, तो कैसे उसका जो नुकसान है उसको कम किया जा सकता है, उसकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, आज इन सब चीजों पे भी बात करेंगे। तो मैं गौरव जी से जानना चाहूंगा कि गौरव जी एस्कॉर्ट ट्रैक्टर क्या लेके आया है सीएससी वीएलईज के लिए और क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोगों ने इंडल्ज किया है और क्या उनका कमीशन कैसे रहेगा। सर सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा गौरव चौधरी जी आपको कि आपने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया, और सभी वीएलई भाइयों से जो कि ऑल इंडिया अभी हमें देख पा रहे हैं इस मंच के माध्यम से। नमस्कार, मैं गौरव भटनागर एस्कॉर्ट ट्रैक्टर से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहां मौजूद हैं, और हमें कहते हुए बहुत ही खुशी है कि हम इस मंच का पार्ट बने हैं और हम शेयर कर पा रहे हैं आप लोगों के साथ अपने अनुभवों को। सो मैं साथ साथ एक प्रेजेंटेशन भी शेयर कर रहा हूँ, होप कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन अभी दिख रही होगी। जी लाइव है, जी लाइव है, लाइव है, लाइव है सर। गौरव जी आप देख पा रहे होंगे? जी मेरे मैं देख पा रहा हूँ सर। सो मैं सभी वीएलई भाइयों को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसकी। देश को 75 साल हो गए हैं इस आजादी को मनाते मनाते, और हमें भी बहुत गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि हम भी देश की सेवा में पिछले 75 सालों से लगे हुए हैं, और अपने ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों के माध्यम से हम इस देश के किसानों को उन्नत तकनीक दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। मैं अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह शुरू कर रहा हूँ कि एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर, थोड़ा सा लैग होगा मेरी प्रेजेंटेशन में, तो कोई नहीं सर। जी 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 सर, 1950 से जर्नी स्टार्ट हुई, और सबसे पहले हमने ईटीडीसी जो एक हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है उससे हमने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, और आज हमारे कैसे कैसे हम आगे बढ़े, हमने उसके बाद शुरू किया अपना ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्री लगाई इस देश के अंदर, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात थी उस युग में। हमने उसके बाद राजदूत मोटरसाइकिल हम इस देश के अंदर बनाने लगे, और हमारी पूरा भारत जानता है राजदूत मोटरसाइकिल को। हमने इंडियन रेलवेज में अपनी सेवा दी जो कि हम पिछले 5 दशकों से देते आ रहे हैं, हमारे रेलवे इक्विपमेंट डिवीज़न
कार्यरत है इंडियन रेलवे को उन्नत बनाने के लिए। 70 के दशक में हमने फोर्ड के साथ टाई अप करा और हमारा फोर्ड एस्कॉर्ट्स फोर्ड का एक ट्रैक्टर मार्केट में बहुत बिका और आज भी उसकी बहुत डिमांड है। जबकि वो जो ट्रैक्टर ने जो एक बनाया था माहौल, वो आज तक विद्यमान है इस देश के अंदर, लोग भूलते नहीं है उसको। हमने क्रेन्स लेकर आए इंडिया के अंदर, हम लोगों ने 400 ट्रैक्टर दुनिया में एयरलिफ्ट किए। जब जिस जमाने में कहा जाता था कि इंडिया के पास तकनीक नहीं है, हमने 70 से 80 के दशक में अपने हिंदुस्तान के बनाए हुए ट्रैक्टर बाहर भेजे। 62 कंट्रियों में अपने ट्रैक्टर्स को हमने पहुंचाया है। यामाहा RX 100, आप सभी ने इस मोटरसाइकिल का नाम सुना होगा। इंडिया के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया। इसी तरह की जर्नी हमारी आगे भी चली। 1995 में हमने फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक के नाम से दो ब्रांड निकाले जो कि आज भी चल रहे हैं। और फार्म ट्रैक एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में उभर कर आया है, हाई HP प्रीमियम ब्रांड, और पावर ट्रैक एक डीजल सेवर तकनीक के रूप में उसने इंडियन मार्केट के अंदर अपना कब्जा जमाया हुआ है। तो सबसे ज्यादा बचत तेल की जो करने के लिए हम कहते हैं, वो अपने पावर ट्रैक ट्रैक्टर से देते हैं। इसी साल 2022 में इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड हमारे पावर हाउस ट्रैक्टर को मिला है और ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए भी और हमारे सभी जो कस्टमर हैं उनके लिए भी बहुत गर्व की बात है। इसी के साथ साथ एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी तमाम तरह से फार्मर्स को हमारे, और जो हमारे 62 कंट्रीज हैं, हम लोग उनको भी इस ट्रैक्टर्स को बेचते हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हैं हम, वहाँ भी अपने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के द्वारा देश की सेवा कर रहे हैं। माइनिंग सॉल्यूशन, रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन जो मैं आपको बता चुका हूँ, भारतीय रेलवे में सभी तरह की रेलों में, चाहे वो मेट्रो हो चाहे वो वंदे भारत हो, हमारे तकनीक के माध्यम से हमारे पार्ट्स इन रेलों में लगते हैं। मेनली अब हमने जो टाई अप CSC के साथ किया है लीड जनरेशन का, वो अपने तीन ब्रांड्स के ऊपर किया है जो कि है फार्म ट्रैक ट्रैक्टर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर और फार्म पावर इम्प्लीमेंट्स। फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बड़ा ट्रैक्टर बड़ी सोच जो कि हमारा टैग लाइन है, ये एक बड़ा बिग प्रीमियम ट्रैक्टर है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। पावर ट्रैक ट्रैक्टर फ्यूल एफिशिएंट और वैल्यू फॉर मनी ट्रैक्टर है, जैसे कि VLE भाई सभी जानते हैं, और मैं बहुत ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 60% VLE भाइयों के पास तो खुद की खेती है, खुद के ट्रैक्टर्स वो यूज करते हैं, तो उनको पता है बहुत अच्छे से कि ट्रैक्टर में किसान क्या देखता है, किसान को क्या चाहिए। और खुद भी आप एज ए किसान ये चीज जानते हैं कि आप लोग को ट्रैक्टर क्यों खरीदना होता है, क्या जरूरत होती है, किस सीजन में ट्रैक्टर की जरूरत होती है, ये सारी बातें आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और हमारा CSC से जुड़ने का मकसद भी यही है कि जो प्रेजेंस आज हमारी मार्केट में है, इंडियन मार्केट में है, जो स्ट्रांग प्रेजेंस हमारी इंडियन मार्केट में है, उसे हम आपके साथ जोड़कर और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। और साथ ही साथ, जैसे कि मुझे गौरव चौधरी जी ने बताया है कि VLEs भाई हमारे इतने मेहनती हैं कि कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया वो मंथली इन सर्विसेज से जो कि आप लोग प्रोवाइड करते हैं CSC के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनसे कमा लेते हैं। तो हम उनको ही और आगे डेवलप करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ स्कीम्स लेकर आए हैं कि आप अगर हमें वो लीड्स देते हैं तो उसको आप किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, वो मैं आगे की स्लाइड्स में भी आपको बताऊंगा। हमने तीसरे प्रोडक्ट के लिए टाई अप किया है फार्म पावर, जो कि इम्प्लीमेंट्स लाइक रोटावेटर, कल्टीवेटर, इस तरह के उपकरण जो एक ट्रैक्टर के साथ चाहिए होते हैं। तो फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक दोनों ही ब्रांड के हमारे जो भी ट्रैक्टर हैं, वो सभी के सभी ट्रैक्टर हमारे आपकी वेबसाइट पर, आपके पोर्टल पर उपलब्ध हैं। अगर मैं बात करूं फार्म ट्रैक के पोर्टफोलियो की, तो 21 से 30 HP से लेकर मोर देन 50 HP तक के ट्रैक्टर्स, हमारे बहुत सारे ट्रैक्टर्स आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेंगे प्लेटफॉर्म पर। आप कोई भी ट्रैक्टर की लीड हमें दे सकते हैं, उस लीड को देने के बाद गौरव चौधरी जी की तरफ से उसको वेरीफाई किया जाता है, प्लस में फिर वो हमें दिया जाता है। एक एक लीड को पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम से आप हमें देते हैं और हम आपको एक एक लीड पर रिवर्ट करते हैं। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखा गया है कि कैसे कोई लीड हमारे सिस्टम में आएगी और कैसे हम उसका उसको डिलीवरी करेंगे।
पावर ट्रैक के भी 21 से 30 एचपी से लेकर 50 प्लस एचपी तक के सभी ट्रैक्टर हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर आप 0 से 20 एचपी की बात करें तो उसमें भी स्टील ट्रैक नाम से हमारे पास ट्रैक्टर मौजूद हैं। तो अगर आपको कभी 0 से 20 एचपी के लिए कोई डिमांड आती है तो आप अपने रिमार्क्स में, जो कि आपके पोर्टल के ऊपर है, उस रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट 0 से 20 एचपी की है, तो फिर हम उसको वो उस हिसाब से हम उसका टेक केयर करेंगे। ये हमारे पावर ट्रैक के मॉडल्स की कुछ समरी है जो कि आपको दिख रही है। यूरो सीरीज, एएलटी सीरीज, डीएस सीरीज, ये सभी लेटेस्ट तकनीक हैं, डीजल सेवर तकनीक हैं। और कुछ हमारी सीरीज हैं जैसे कि यूरो सीरीज, वो आजकल एक, जो आप इस तरह के बोनट देख रहे हैं, सिंगल पीस बोनट या थ्री पीस बोनट, आप सब लोग समझते हैं। तो अगर सिंगल पीस बोनट की बात करते हैं तो वो यूरो सीरीज में हमारे आता है, उस सीरीज को बताया गया है। हमारी एक एएलटी सीरीज है, एएलटी सीरीज हमने निकाली थी कई साल पहले, जो कि जो हमारा ट्रॉली का काम होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, ताकि इससे ट्रैक्टर उठता नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर के उठने की बहुत समस्या होती है। तो ये एएलटी मतलब एंटी लिफ्ट ट्रैक्टर तकनीक है हमारी, जो काफी सालों से फेमस है और पेटेंटेड है हमारी। और फार्म पावर के माध्यम से हम आपको आधुनिक कृषि उपकरणों की विशाल रेंज देते हैं, लाइक सुपर सीडर, स्ट्रॉ रीपर, थ्रेशर, एमबी प्लाउ, स्प्रेयर, बेलर। तो सभी तरह के उपकरण आप हमसे, हमारे पास लीड दे सकते हैं। और अगर इस मीटिंग में हमारे बीच में एफपीओज भी मौजूद हैं तो वो एफपीओज भी हमसे इनके बारे में बात कर सकते हैं और इन उपकरणों को और ट्रैक्टर्स को ले सकते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी, जिसके ऊपर हम काफी सालों से काम कर रहे थे, वो हमने 2018 में उसको बना लिया था और अभी बहुत लिमिटेड स्टेट्स में और बाहर हम इस ट्रैक्टर को अभी उपलब्ध करा रहे हैं ड्यू टू द बैटरी के कंस्ट्रेंट की वजह से, लेकिन ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी हमारे पास उपलब्ध है। इसके साथ साथ जी मैं इसके हेलो जी आवाज, जी, आपकी जी आवाज आ जी रही है, बोलिए। इसके साथ साथ मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ये स्क्रीन आपको दिख रही है सर गौरव जी? जी ये हम पूरी चेंज समरी एक चेंज बार नहीं आपको हुआ सर। बताने की कोशिश, स्क्रीन चेंज हुई बताइए? स्क्रीन चेंज नहीं हुई सर। स्क्रीन चेंज नहीं हुई है सर। सो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं। जी हो गई। जी, तो मैंने अपनी पूरी बात को यहाँ पर समराइज करने की कोशिश की है। सभी वीएलई भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमने गौरव चौधरी जी के साथ में, आपकी सेंट्रल टीम के साथ में बैठ के जो प्लान किया है, वो प्रति क्वालिटी लीड पर, क्वालिटी लीड का मतलब जिसमें हमें नाम, नंबर, उसका और कोई ऐसी चीज लाइक डेट ऑफ, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, कब वो ट्रैक्टर लेना चाहता है, या विलेज का नाम, कोई ऐसी चीज अगर हमें मिलती है तो प्रति क्वालिटी लीड पर हमें 75 रुपए हम प्रदान करेंगे वीएलई भाई को। 120 दिन के अंदर अगर वो कस्टमर हमसे ट्रैक्टर को लेता है तो 2500 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक का उसको डिलीवरी का इंसेंटिव मिलेगा। और यही नहीं, अगर 3 महीने के अंदर वो अपने 5 ट्रैक्टर या 5 ट्रैक्टर से ज्यादा अगर सेल करता है तो उसके ऊपर अलग से इंसेंटिव है। तो अगर 100 में से 30 ग्राहक 3 महीने के भीतर ट्रैक्टर खरीदते हैं तो एक वीएलई भाई 1,24,500 रुपए तक कमा सकता है। क्या बात है, इसी तरह उपकरणों के लिए भी एक वीएलई भाई 1,65,000 तक कमा सकता है। तो हमने 3 तरह के इंसेंटिव रखे हैं। एक तो हम आपको हर क्वालिटी लीड के ऊपर पैसा देंगे, दूसरा हर डिलीवरी के ऊपर आपको एक इंसेंटिव देंगे, तीसरा आपने वो डिलीवरी भले ही छोड़ी है और हमने आपको उस डिलीवरी पे पैसा भी दे दिया है, फिर भी हम क्वार्टरली आपको आपकी कमुलेटिव डिलीवरीज के ऊपर, मान लीजिए आपने 3 महीने में टोटल 10 ट्रैक्टर बेचे तो हमने आपको पर ट्रैक्टर 3500 रुपए तो दिया ही दिया, आपको 3 महीने के बाद 10 ट्रैक्टर के ऊपर 10 × एक अमाउंट हमने जो फाइनल किया हुआ है आपके लिए, जो कि है 1,000 रुपए का, वो भी हम आपको बिल्कुल देंगे। तो मतलब 10 ट्रैक्टरों के ऊपर आपको और 1,000 रुपए मिले तो 15,000 आपके और बन गए। तो इस तरह करके हमने आपके लिए ये सारी चीज प्लान की है। तो कुल 3 महीने में एक वीएलई
लमसम अगर मिनिमम से मिनिमम 30 ट्रैक्टर निकालता है और कुछ इक्विपमेंट निकालता है, तो 2,85,500 तक एक महीने के अंदर हमारा वीएलई भाई अर्न कर सकता है। यानी हर महीने वो वीएलई जो है 1,00,000 रुपए तकरीबन कमा रहा है, जो जी कि उसके लिए बहुत अच्छा एक इनकम का सोर्स बन जाएगा, एक सेपरेट सोर्स इनकम का यहाँ पर हम लोग बना के दे रहे हैं। तो जी जैसा कि समय का अभाव है सर, मुझे दो जी सवाल जी आपसे पूछने के लिए वीएलई भाइयों ने पूछा है। एक जी तो ये बिल्कुल कि सर कैसे चूज करें कि कौन सा ट्रैक्टर लेना होगा, अगर किसान भाई अपने लिए देखे अपनी जमीन के हिसाब से कि कौन सा जी ट्रैक्टर उसको लेना पड़ेगा, कितने हॉर्स पावर का लेना होगा। दूसरा सवाल ये है सर कि कितने दिनों में उसको डिलीवरी और ये सारी जो प्रक्रिया है ये कितने दिनों में, कम से कम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। जी तो गौरव जी, मैं आपको पहले सवाल का जवाब देता हूं। जनरली गांव में एक किसान भाई को पता होता है कि उसको कितने एचपी का ट्रैक्टर लेना है, जनरली उनको पता होता है। लेकिन अगर कोई पहली बार ट्रैक्टर खरीद रहा है और जिसको आइडिया नहीं है, तो भी क्या होता है, वो गांव में एक दूसरे लोगों से मिलकर के सलाह करता है कि कौन से एचपी का ट्रैक्टर लिया जाना है। अगर ये भी नहीं है तो बस हमारे वीएलई भाई को किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर जाकर के एक इंक्वायरी भरनी है इनके एरिया की, कि जी ये 40 से 50 एचपी का ट्रैक्टर, जो कि मैं कहता हूं आपको वही भरना चाहिए क्योंकि उस ट्रैक्टर पर ही हमने आपको सबसे ज्यादा एक इंसेंटिव दिया हुआ है, तो आप 40 से 50 एचपी का ट्रैक्टर भरिए और उसके बाद हमारी टीम जो है उनको विद इन 24 आवर्स में कॉन्टेक्ट करेगी और उनसे मिलकर के जानेगी कि वो कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहते हैं। अगर वो फर्स्ट टाइम बायर हैं तो उनके खेत के हिसाब से, वहां के स्टेट के हिसाब से, वहां की मिट्टी के हिसाब से जो ट्रैक्टर वहां पर अच्छे से काम करेगा, उपयुक्त तो होगा, वो उनको सलाह हम देंगे और वो उनको परचेस कराएंगे। अगर फिनेंस से करना है, फिनेंस की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, अगर कैश से लेना है तो कैश से। जैसे ही वो डिलीवरी हमारे सिस्टम में अपडेट हो जाएगी, मैं आपके दूसरे सवाल पर आ गया, जैसे ही वो डिलीवरी हमारे सिस्टम में आ जाएगी तो हम अपने यहाँ एपीआई कॉल करके या फिर ईमेल के माध्यम से सेंट्रल टीम को, यानी कि आपको, हम तुरंत इंटीमेट कर देंगे कि सर आपकी ये इंक्वायरी आईडी आई थी, इसके अगेंस्ट हमने डिलीवरी कर दी है, आपका इतना पैसा बन गया है, हम आपको क्रेडिट कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा जी, तो ट्रांसपेरेंसी तो सर आप ही ने हमें आपने शुरू से ही रखी है और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप इतना दूर का आपने विजन लिया अपने वीएलई भाइयों के लिए कि आपने शुरू से ही हमें कह दिया था कि हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हर इंक्वायरी किस वीएलई से आई, उस वीएलई को पैसा कब तक मिलना है, वो सब हमें आप ही ने बताया है और हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो सभी का सेटलमेंट एक महीने के अंदर हो जाएगा। अगर कोई इंक्वायरी मेरी आज 4 अगस्त को आई है और वो इंक्वायरी मेरी डिलीवरी बन जाती है विद इन 120 डेज, तो 120 डेज के अंदर जैसे ही वो बनी उसके विद इन 30 डेज आपका पैसा आ जाएगा। मान लीजिए आज लीड आई और 10 अगस्त को वो ट्रैक्टर की डिलीवरी हो गई, तो इसी महीने में हम आपके वीएलई का पैसा आपको प्रोवाइड कर देंगे। जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से सारी चीजों को बताया। और जो आपने ये जो कमीशन दी है, ये कमीशन भी बहुत अच्छा एक प्रोसेस बनाया है, तो मैं आशा करूंगा कि हम लोग अपने एस्कॉर्ट में बहुत अच्छा करें। और मैं सभी वीएलई भाइयों और बहनों से ये दोबारा आग्रह करता हूं कि सब लोग अपने बढ़ चढ़ के लीड्स डालें, क्योंकि अभी जो जो सीजन आने वाला है, जो त्योहारों का सीजन आने वाला है, उसमें ऑटोमोबाइल सेगमेंट में हम लोगों को बहुत अच्छा करना है और हम लोगों के पास डिमांड भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं सभी को आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामनाएं दोबारा से देता हूं और एस्कॉर्ट टीम को हाँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ, आने वाले समय में नवरात्रि का जो त्योहार होता है वो ट्रैक्टर की खरीद के लिए बहुत अच्छा होता है, दशहरा बहुत अच्छा होता है, रक्षाबंधन बहुत अच्छा होता है और दिवाली। इस टाइम पर अगर आप मार्केट में सभी वीएलई भाई ध्यान देंगे और फोकस करेंगे कस्टमर्स के ऊपर, तो वो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं और हम लोग मिलकर अपनी दोनों की पार्टनरशिप से हम दोनों ही अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, सीएससीबी और एस्कॉर्ट। बस इसी बिल्कुल। के साथ मैं आपका और सभी वीएलई भाइयों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने मंच के माध्यम से हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी तरीके आपने बताया सर, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं वीएलई भाइयों और बहनों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे बड़े पार्टनर की तरफ जो कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम कई पार्टनर्स से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे, उनके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो अब जो दूसरे जो हमारे साथ पार्टनर हैं, वो उनका कोई इंट्रोडक्शन देने की भी जरूरत नहीं है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक, जो कि आज पूरे देश में नंबर वन प्रोडक्ट है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक में टू व्हीलर थ्री व्हीलर में सेल हो रहा है, तो हम लोग आज उनसे जानेंगे कि क्या प्रोडक्ट है और सीएससी वीएलई को क्या बेनिफिट है और क्या इसमें सीएससी वीएलई को करना होगा जिससे कि उसको ये बेनिफिट अपने यहाँ पर लेना हो। तो मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा अभिषेक दुबे जी का, अभिजीत सुखे जी का और नितिन आहूजा जी का, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक की टीम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार गौरव जी, वेरी गुड इवनिंग। जी जी, गुड इवनिंग सर। जी जी अभिजीत जी जी, गौरव जी थैंक यू सो मच हमें आज इनवाइट करने के लिए और आज ये मौका देने के लिए कि हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में यहाँ वीएली भाइयों के साथ कुछ चर्चा कर पाए और उनसे भी कुछ समझ, आपसे भी कुछ उनके आपके माध्यम से उनसे जो फीडबैक आया वो समझ पाए कि उनको और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए या जरूरी है जिससे और उनको फायदा हो और हमारे भी प्रोडक्ट का सेल बढ़े। तो मैं यहाँ पे मेरे जो बाकी कलीग्स हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। सो मेरे साथ में नितिन आहूजा जी है और उनके साथ में मिस्टर अभिषेक हेड़ाव जी भी है जो कि महाराष्ट्र में हमारे एरिया सेल्स मैनेजर है। सो जैसा कि गौरव जी आपने स्टार्ट किया कि महिंद्रा के लिए, मुझे नहीं लगता कि मैंने इंट्रोडक्शन एज ए ग्रुप महिंद्रा के बारे में कुछ ज्यादा बोलना चाहिए। हर घर में ये नाम पहुंचा हुआ है, हर शहर में, हर गांव में ये नाम पता है। बेसिकली हम जो है, नितिन, मैं, अभिषेक, हम रिप्रेजेंट करते हैं महिंद्रा का एक वर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं लास्ट माइल मोबिलिटी। लास्ट माइल मोबिलिटी यानी इसमें हमारे सारे थ्री व्हीलर प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम अगर थ्री व्हीलर्स की बात करें तो थ्री व्हीलर्स में हमारे पास में बहुत विस्तृत श्रेणी है। प्रोडक्ट रेंज की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट रेंज में हमारे पास चार अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है। तो एक पहले आता है लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं ट्रियो 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 ऑटो और ट्रियो यारी। तो ये दो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट 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 प्रोडक्ट रेंज हाँ, बैकपैक। सो ये हमारा एक ट्रियो जोर जो सेकंड प्रोडक्ट है जो कि डिलीवरी में आता है, डिलीवरी में यूज आता है, ये भी हमारा लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आगे आगे ये है ई अल्फा। ई अल्फा बेसिकली ये लीड एसिड बैटरी प्रोडक्ट है। इसके बारे में जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है मैं अभी सिर्फ आपको एक जो विस्तृत श्रेणी है वो बता रहा हूँ। जो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है वो अभिषेक हेड़ा जी आपको वन बाय वन आपको ब्रीफ में बताएंगे। ये है ई अल्फा कार्गो जो कि एक लेड एसिड बैटरी है। ये है ई अल्फा मिनी जो कि एक पैसेंजर व्हीकल है लेड एसिड। नेक्स्ट फिर हमारा आता है डीजल में। डीजल में अल्फा आपको पता होगा ये काफी पुराना प्रोडक्ट है, 19 साल हो गए ये मार्केट में है और बहुत अच्छा इसका अभी तक का फीडबैक रहा है, अल्फा लोड। नेक्स्ट यह है अल्फा पैसेंजर, इसमें भी हमारे पास अलग अलग वेरियंट्स है दो तीन। एंड लास्ट इज सीएनजी जो कि हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में सारी श्रेणी अवेलेबल है। अगर मैं थ्री व्हीलर में बोलूं, लीड एसिड, लिथियम आयन, सीएनजी एंड डीजल। अभिषेक आप अगर कुछ इसमें और थोड़ा डिटेल में अगर बता पाओ हमारी श्रेणी के बारे में, क्या क्या इनके बेनिफिट्स है प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, तो वीएलईस को थोड़ा और आसानी होगी समझने में। और मैं एक चीज और चाहूंगा, एक चीज मैं और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि आप लोग तो आप लोगों को अभी ग्राउंड रिसर्च बहुत अच्छी तरीके से पता है अभिजीत जी, तो थोड़ा सा एक ये भी बताना है कि कहां कहां पर आपकी जो ये रेंजेस है, कहां कहां किन किन स्टेटों में काफी ज्यादा जो है पॉपुलराइज हो चुकी है, कहां पर आप लोगों को ज्यादा जो है जरूरत है कि वहां पर वीएलई भाई आपको सपोर्ट थोड़ा और ज्यादा करें, तो वो भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग साथ साथ ऐड करते रहे। जी बिल्कुल, यस अभिषेक आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी महिंद्रा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे को मौका दिया है यहाँ पर आके हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा हम जो लास्ट माइल मोबिलिटी में काम करते हैं, बेसिकली ये जो गाड़ी है ये वालास की गाड़ी है। अब आप बोलेंगे वाला का मतलब क्या होता है, बेसिकली वाला का मतलब है जिस भी इंसान के आखिरी में आप वाला लगाए, चाहे वो फूल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला,
जिसके भी आखिरी में आप वाला लगाएंगे वो हमारा कस्टमर है, ठीक है, चाहे वो खेती वाला क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्रामीण एरिया में सबसे ज्यादा इसका चांसेस है सेल होने का। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आई है ये हमारी बेहतरीन श्रेणी की है। अगर आप देखेंगे ऊपर में आपको तीन गाड़ियां दिख रही है, एक ट्रियो ऑटो, ट्रियो जोर और ट्रियो यारी। ऑटो अगर आप देखेंगे तो ऑटो का जो यूज है, हम 50 रुपए में, मात्र 50 रुपए में ये गाड़ी चलती है 130 किलोमीटर, ठीक है। और जो दूसरा आप देखेंगे कार्गो, ये कार्गो आपको ग्रामीण में किसी भी टेरेन पे ये चलती है। बेसिकली ये कच्चे रोड पे चलने वाली गाड़ियां है। और सबसे खास बात, 50 रुपए के चार्जिंग पर ये लगभग 80 से 90 किलोमीटर चलती है। और जो एक हमारे दिमाग में ये मानसिकता होती है कि भाई इलेक्ट्रिक की गाड़ी है, लोड खींचेगी कि नहीं खींचेगी, ये सबसे बड़ा लोगों का कंसर्न होता है। तो ये व्हीकल के बारे में आप बिंदास रहिए, ये किसी भी टेरेन पर, कच्चे रोड पे, पक्के रोड पे, चाहे वो पथरीले रोड रहे, सब रोड पर बेहतरीन तरीके से चलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जहां तक मैं बात कर रहा हूँ। जहां तक डीजल की बात है तो डीजल में पैसेंजर ऑलरेडी, आप अगर अपने गांव में देख लेंगे तो आपको ऑलरेडी हमारा ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। तो उसके बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद अपने ग्रामीण में अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में हमने एक नहीं है क्या, जो सेगमेंट निकाला है वो ई मिनी वही का, ई अल्फा का सेगमेंट निकाला है, जिसके अंदर में लगभग 1,60,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक ऑन रोड गाड़ी आ जाती है, पैसेंजर और रिक्शा, जिसका पासिंग है 1+4 का। तो बेसिकली ये है कि आप ग्रामीण में अगर आप खेती करते हैं, छोटा व्यापार है, कोई भी चीज है, वहां पर आप ये गाड़ियां आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको इलेक्ट्रिक, जो कि सबसे अहम होता है, जो सबसे अहम होता है कि हमें प्रदूषण नहीं करना है, तो इस जो हमारे जो अभी आ रही है 75वीं हमारी जो इंडिपेंडेंस आ रहा है, अमृत महोत्सव जो हमारे हम मना रहे हैं, तो उसके अंदर आप चाहेंगे कि आपका ग्राम ये प्रदूषण मुक्त हो, और उसके लिए आपके आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका है। तो और तीसरी श्रेणी जो है, चौथी श्रेणी जो है, वो है हमारी डीजल व्हीकल्स की, जो कि जैसे अब ग्रामीण भाग में बहुत सारा ओवरलोडिंग भी होता है। तो ओवरलोडिंग जहां पर होता है वो केस में ये सबके गाड़ियों की पासिंग जो है वो 500 किलो की है, लेकिन अपने हिसाब से वो डबल से ज्यादा ले जाती है। तो वो भी हमारे पास में डीजल के भी ऑप्शन है। बेसिकली हम ऑल रेंज में, थ्री व्हीलर में आप जहां पर भी देखेंगे वहां पर हम जा सकते हैं। आपके खेत से माल हम लेके आ सकते हैं, खेत से आगे शहर तक ले जाने की व्यवस्था पूरे रेंज की है हमारी, ठीक है। तो ये है कुछ जानकारी जहां तक रेट्स का। हाँ, नेक्स्ट। तो बेसिकली अगर आप आज देखेंगे तो हर तरफ में प्राइस की बहुत मारामारी है। तो अगर आप ऑटो चला रहे हैं तो आज कम से कम 300 से 400 रुपए लगते हैं, कोई भी दिन दिन का खर्चा होता है। तो उसके जगह पर हमने ये दिया है कि हमने एक ऐसी गाड़ी लाई है, मॉडर्न जमाने की गाड़ी, जो कि पोस्ट पेड है। अब आप बोलेंगे पोस्ट पेड क्या चीज होती है? पोस्ट पेड ये है कि आप आज चलाइए और 1 महीने बाद बिल भरिए, क्योंकि बिजली बिल कब आएगा? 1 महीने बाद आएगा। सबसे जी बड़ी दिक्कत जो ग्रामीण एरिया में है वो ये है कि हर रोज मुझे अगर धंधा शुरू करना है तो जेब में कम से कम 300 से 400 रुपए होना बहुत जरूरी है। अगर वो हमारे जेब में जी नहीं है तो हम धंधा शुरू ही नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल गाड़ी ऐसी है कि आप 1 महीने तक चार्जिंग करिए और बिजली का बिल आएगा 1 महीने बाद। तो आपको ये मुनाफा है इसके अंदर कि आपके पास में बिजली का बिल भरने के लिए पर्याप्त समय है, और रोज रोज आपको ये किटकिट नहीं है कि भाई मुझे गाड़ी ले निकालने के लिए पैसा लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज, जहां 300 रुपए रोज के डीजल का खर्चा हो रहा है, या पेट्रोल या एलपीजी या सीएनजी जो भी आपके ग्राम में है वो खर्चा हो रहा है, उसके जगह पर यह सिर्फ 50 रुपए में मात्र 3 घंटे और 40 मिनट में चार्ज होकर तैयार हो जाती है गाड़ी। तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट प्लीज। तो प्रदूषण से भी मुक्ति देती है, जो कि एक एडेड एडवांटेज है। पावर में भी एक नंबर है। और अगर आप देखेंगे तो जैसे परमिट परमिट का रिक्वायरमेंट होता है ऑटो रिक्शा चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको परमिटलेस गाड़ी बनाया है कि परमिट का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मिनिमम रेगुलेशन पर ये गाड़ी चलती है। और सबसे अहम बात, अभी ये समय इस पर लगभग 75,000 74,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, और स्टेट की अलग मिल रही है जो स्टेट में एप्लीकेबल है। तो उसका ये फायदा है कि ये सही समय है ये गाड़ी खरीदने का। जी बिल्कुल।
यह सही समय है। और इसका इसका सबसे अहम हमारा ये खास बात है कि 1,50,000 किलोमीटर की लगभग इसकी लाइफ है, बैटरी लाइफ, जिसमें हम लोग जो दे रहे हैं वो 3 साल का स्टैंडर्ड वारंटी दे रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको सच बताता हूँ, प्रदूषण मुक्त, वाइब्रेशन मुक्त, नॉइज मुक्त, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, जिसका अगर आप देखेंगे तो हम अभी महाराष्ट्र में हमने ये चालू किया। आपको एक किस्सा साझा करना चाहूंगा कि एक दिल्ली से हमारे नागपुर के तरफ में एक कस्टमर आए, उनका बोलना था कि मेरा हर हर महीना 15 दिन विजिट होता है, तो उन्होंने एक ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसकी वजह से उनका जो खर्चा था वो भी बच गया, और प्लस उनके लोकल में चलाने के लिए भी उनको बेहतरीन काम हो गया, और बाकी समय वो रेंट आउट कर दिए एक ड्राइवर को। तो दिस इज हाउ द वे चीजें चलती है, अपने अपने तरीके से। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, डीजल का 600 का खर्चा है, ये 50 से 60 रुपए में हो जाता है काम। हाई मेंटेनेंस, इसमें तो इंजन ही नहीं है, गियर बॉक्स नहीं है, क्लच प्लेट नहीं है, ऑयल पल्टी नहीं है, तो कोई चीज का खर्चा ही नहीं है अगर हम देखा जाए, सिर्फ आप चार्जिंग करें और गाड़ी चलाएं। और सबसे अहम बात के वाइब्रेशन नहीं है, तो फटीक आने का संबंध ही नहीं है, मतलब थकान महसूस होने का जरूरत नहीं है, परमिट के रेगुलेशन नहीं है, उससे मुक्त है। तो कम से कम आप देखेंगे तो साल में 1.5 लाख के करीब करीब इसमें बचत है। बहुत अच्छा। और सेम हमारा ये कार्गो है, कार्गो के अंदर में भी आपको सेम चीजें मिलेगी, लगभग 80,000 किलोमीटर की हमारी वारंटी है, और 3 साल की वारंटी है, एक्सटेंडेड करके 5 साल और 1 लाख किलोमीटर हो जाती है। तो जी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपको ऑल टेरेन में काम आने वाले व्हीकल्स है, ठीक है। ये देखिए इनका अनुभव ये साझा करें। जी प्लीज। ये म्यूट है आई थिंक। शायद किसी कारणवश हम आवाज नहीं सुन पा रहे सिस्टम इश्यू की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अपने न्यूज़लेटर के थ्रू इस टेस्टिमोनियल को हम शेयर कर देंगे। जी। दूसरा, ये एक श्रेणी है हमारी ई अल्फा कार्गो, जो लोग लिथियम आयन में नहीं जा पा रहे ड्यू टू कॉस्ट, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उनके लिए हमने लेड एसिड में व्हीकल्स बनाई है। इनकी कीमत आप देखेंगे तो 1,60,000 से 1,80,000 के बीच में वेरी करती है, और इनकी मैक्सिमम स्पीड 25 की होती है। वैसे भी आप देखेंगे ऑटो रिक्शा कोई 25, 40, 50 के स्पीड से तो चलते नहीं है, क्योंकि हर 1 किलोमीटर में 10 बार तो उनको ब्रेक मारना है ना। प्लस बिल्कुल इसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि इसका जो गवर्नमेंट का पासिंग है, अगर आप देखेंगे दूसरे गाड़ियों का, तो 1+3 है, इसका जो पासिंग है वो 1+4 का दिया है। कार्गो में जो पासिंग है हमारा वो 350 किलो का, 310 किलो का पासिंग है। तो जो छोटे व्यापारी है, अभी हमने जो आइडेंटिफाई किया है, कुछ लोग अपने ग्राम में हाथ हाथ गाड़ी चलाते हैं, हाथ गाड़ी चलाने वाले जो कस्टमर्स है, जो कि अगर आप देखेंगे तो जैसे गवर्नमेंट की कार्रवाइयां जब होती है तो उनके हाथ गाड़ियां छीन ली जाती है, तो हम बोलते हैं कि भाई आप ये गाड़ी लीजिए, इस पर अपनी सब्जियां बेचिए, सो डेट आपको नुकसान नहीं होगा। अगर कोई आता है तो आपकी गाड़ी ऑलरेडी पार्किंग में है और आपका सब्जी वगैरह गाड़ी के अंदर है, या आप माल जो भी बेच रहे हो गाड़ी के अंदर है, तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आप एक गाड़ी लीजिए और जमीन मुफ्त है। अगर मैं सादी भाषा में बोलूं, आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जमीन खरीदने की दिक्कत है, कि आप अगर आपको कोई भी काम चालू करना है तो जमीन सबसे पहले खरीदना है, तो एक गाड़ी लीजिए, जमीन मुफ्त में मिल गई, जहां लगाएंगे वहां धंधा शुरू। दूसरी चीज एक बिल्कुल बेनिफिट है, दूसरा एक बेनिफिट ये है कि आप देखेंगे कि जो हाथ गाड़ी है वो लिमिटेड 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर में ट्रैवल करती है। अगर वही इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आ जाए तो वो चाहे तो 50 किलोमीटर के रेडियस में भी काम कर सकते हैं, जिससे धंधा भी बढ़ने के चांस है, तो ये भी एक बिल्कुल एडेड बेनिफिट है। प्लस इस पर हमारा जो है 2 साल का वारंटी है, बैटरी का 1 साल का वारंटी है। लगभग अगर देखेंगे तो 80 किलोमीटर का इसका रेंज आता है, तो ये जी बेनिफिट है सब चीजें। इसके साथ में हमारा जो उदय प्रोग्राम है उसके अंदर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है 10 लाख का। अब आते हैं हमारा जो मेन प्रोडक्ट है डीजल का, जो कि ऑलरेडी आपके मार्केट में अवेलेबल है, ऑलरेडी वेल नोन प्रोडक्ट है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी व्यापारी है उनके पास में आपको ये गाड़ी मिल जाएगा, तो बस आपको जो भी व्यापारी आपके परिचित है उनको बस बताना है, तो आपको अच्छा मौका मिल सकता है। इसमें भी ऑटो रिक्शा तो जैसे हमने बताया, इसमें इलेक्ट्रिक भी है और डीजल भी है, अगर कुछ लोगों को बड़ा ऑटो चाहिए तो उसके लिए हमारा ये प्रोडक्ट अवेलेबल है।
ये सब हमारे प्रोडक्ट की जानकारियां थी जो कि आपको साझा करनी थी। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ई अल्फा रेंज ऑफ व्हीकल्स है उसके अंदर में हमने जो सीएससी का ये रखा है वो 2000 रुपीज रखा है पर व्हीकल। अगर अल्फा जो डीजल रेंज ऑफ व्हीकल्स है उसमें अगर जाते हैं तो 3000 रुपए पर व्हीकल है, और अगर ट्रियो रेंज जो कि लिथियम आयन बैटरी है उस पर व्हीकल का हमने 4000 रुपीज पर व्हीकल रखा है। आप देखेंगे अगर एक गाड़ी आप बेचते हैं तो आपका अनुभव ये रहेगा कि उसके बाद में आपके पास में अपने आप कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी, सिर्फ आपको इंक्वायरी हमारे से शेयर करना है, कन्वर्जन के लिए हम है और उसका पूरा जिम्मेदारी हमारा है और बाकी कुछ नहीं। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं कि हम अपने ग्राम को तो भी क्लीन रखे, अपने ग्राम को तो भी स्वच्छ करने की कोशिश करें, प्रदूषण मुक्त करने की कोशिश करें। हैं जी महेंद्र, नमस्कार जी। जैसा कि आपने बहुत अच्छा ये आपने एक उदाहरण दिया कि अपने गांव को स्वच्छ रखना ये एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है आज के समय में। आज के भारत को अगर हम आगे ले जाना चाहते हैं तो हम लोगों को अपने गांव को साफ स्वच्छ रखने के लिए ई मोबिलिटी या ग्रीन मोबिलिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको हमें अपनाना होगा और जल्द से जल्द अपनाना होगा, क्योंकि अब हमारा साथ हमारे जो आपस के लोग हैं वो भी दे रहे हैं, प्लस हमारे जो माननीय भारत सरकार है वो भी हमारी जो है पूरी पूरी तरीके से साथ दे रही है कि जितना हो सके उतना इंसेंटिव मिल रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि ट्रियो रेंज पर 70-75 हजार रुपए जो है इंसेंटिव भारत सरकार की ओर से मिल जाते हैं एज अ फेम टू सब्सिडी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है और ये अभी सब्सिडी प्रमोशन इन सब्सिडी है, यानी कि जो पहले पाएगा उसी को, जो पहले खरीदेगा उसी को ये पहले जो सब्सिडी है उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा जो है आगे चल के ये चीजें जो है अलग अलग रेट पे अलग अलग कॉस्ट पे जब डिमांड इनकी अच्छी हो जाएगी तो ये सारी सब्सिडी जो है भारत सरकार भी जो है वापस कर लेगी। तो हमारा यही जो है सोचना है और यही कहना है कि अब हमें जो है अब अपना जितना हो सके उतना ज्यादा महिंद्रा इलेक्ट्रिक की लीड्स को जनरेट करना है, महिंद्रा इलेक्ट्रिक के प्रोडक्ट्स को सेल करना है। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे रेंजेस थे, बहुत सारे कितनी तरह के स्कूटर, थ्री व्हीलर, जितने भी हमने लोडर और जितने भी तरीके के देखे हैं वो सब अब उपलब्ध हैं हमारी वेबसाइट पर, ग्रामीण ई स्टोर पर, सीएससी रूरल ई मोबिलिटी पे। आप कहीं भी जाके आसानी से अपनी लीड को जहां भी डालना चाहते हैं आप लीड डाल सकते हैं, लीड्स को डालकर हम आपका फॉलो अप करेंगे। यानी वीएलई का काम मात्र इतना है कि उनकी स्टोर पर जितने भी लोग आते हैं उनको पीछे एक ये एक बैनर जो हम लोग बोलते हैं वो लगाने के लिए, हर बार वो बैनर एक लगा के रखना है कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक की, एस्कॉर्ट्स की या और हमारे दूसरे पार्टनर हमारे टाटा की सारी गाड़ियां उपलब्ध हैं। आपको अगर सेल्स पॉइंट या बुकिंग पॉइंट में बुक करना है तो आप वहां पर हमारे वीएलई स्टोर पर बुक कर सकते हैं। पूरे देश में तकरीबन 4.5 लाख वीएलई हैं तो उनके पास जितने भी लीड्स आते हैं वो सारे लीड्स आगे हमारे जो पार्टनर्स हैं वो फॉलो अप करके और उसको कवर करके फाइनलाइज करते हैं और हमारे वीएलई भाइयों और बहनों को इस लीड्स का बेनिफिट मिलता है कमीशन के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, अभिषेक जी, आपको, आपने हमें अपना कीमती समय दिया हमारे वीएलई और भाइयों और बहनों को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मैं दो पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा, सॉरी यार मैं थोड़ा दो मिनट लगा लूंगा। तो बेसिकली हम हमेशा बोलते हैं कि महिंद्रा का भरोसा, सो यहाँ पे मैं एक बोलना चाहूंगा कि पूरा पैन इंडिया में थ्री व्हीलर्स में बहुत और भी प्लेयर्स है, बट मुझे पता नहीं कि और कहाँ का उन लोगों का कितना नेटवर्क है, बट हमारे 850 टच पॉइंट्स है और मैं इतना आपको अश्योरिटी देता हूँ कि इंडिया में कोई भी कोने में कोई गाड़ी खरीद ले आपको सर्विस का इशू नहीं आएगा। राइट, सेकंड चीज, हमने इंसेंटिव की बात की, हम वीएलईज अगर खुद वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो हम एक एडिशनल डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अगर कोई ई अल्फा गाड़ी खरीद रहा है जहां पे हम उनको 2000 इंसेंटिव तो दे ही रहे बट एडिशनल 2500 वो गाड़ी के ऊपर हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और अगर कोई डीजल गाड़ी खरीद रहा है हमसे तो उसमें हम 3500 रुपए उसको इंसेंटिव दे रहे हैं प्लस 3500 रुपए उसको एडिशनल एक डिस्काउंट भी दे रहे हैं गाड़ी के ऊपर। राइट, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सबके लिए बता देना चाहता हूँ, लास्ट ईयर महिंद्रा इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हमने बेचा है वी वर द मार्केट लीडर, 74% मार्केट शेयर हमारा रहा है लास्ट ईयर, और इस साल भी हमने पहला क्वार्टर भी वही मोमेंटम से हमने स्टार्ट किया है, क्लोज किया है, ये पहले क्वार्टर में भी हम मोर देन 70% का मार्केट शेयर रखे है। तो थैंक यू सो मच गौरव जी हमें मौका देने के लिए आज बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जिन एक नया हम लोग जो आयाम क्रिएट कर रहे हैं रूरल इमोबिलिटी के द्वारा
उसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे ले जाते हैं। इसमें हम आपको ऑटोमोबिलिटी, रूरल इमोबिलिटी यानी कि रूरल में इमोबिलिटी और ऑटोमोबिलिटी दोनों को एक साथ कैसे लेके जाया जाए, और फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स के बारे में जब बात आती है तो टाटा जो है उसको किसी भी इंट्रोडक्शन या किसी भी प्रकार का कोई डिटेल्स के बारे में जरूरी आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आज हमारे साथ वही जो है जुड़े हुए हैं, टाटा कॉमर्शियल व्हीकल से हमारे साथ सौरभ बैनर्जी जी हैं, जो आज टाटा मोटर्स के साथ हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल व्हीकल में क्या क्या अवेलेबिलिटी कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले महीने हम लोगों ने तकरीबन 125 गाड़ियां टाटा के माध्यम से जो हम लोग बेच रहे हैं अपने पोर्टल पे, वो हमने बुकिंग करके कन्वर्ट किए, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। और हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग ये नंबर को 1000 पर मंथ लेके जाएं, जिसमें आप लोगों का सहयोग लगेगा और बहुत जरूरी आप लोगों का जो है योगदान इसमें होने वाला है। और जहां तक मैं जानता हूं कि टाटा को कोई निराश नहीं करता, क्योंकि टाटा हमारे साथ शुरू से है और आज 100 साल से भी अधिक हो गए हैं टाटा को हमारे साथ काम करते हुए। और टाटा का अब जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो जो डिटेल्स है अब हम सौरभ बैनर्जी जी से जानते हैं। सौरभ बैनर्जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, के लिए हमारे साथ। नमस्कार सर, स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है क्या सर? गौरव जी, स्क्रीन जो मैं शेयर किया हूँ दिख रहा है? जी सर, जी लाइव है आप। नमस्कार साहब, तो टाटा ग्रुप के बारे में, मतलब आप लोग सब वीएलई बंधु जो भी है आज का सेशन में, तो टाटा ग्रुप के बारे में सबको पता है, टाटा मोटर्स के बारे पता है। टाटा मोटर्स चार चक्का गाड़ी बनाते हैं, ठीक है? चार चक्के में तरह तरह का गाड़ी, जितना टाइप ऑफ गाड़ी आपको आपका सोच में आता है, जितना प्रकार के गाड़ी आपका सोच में आता है, टाटा मोटर्स हर एक गाड़ी बनाते हैं चार चक्के में। हम लोग तीन चक्के वाला गाड़ी नहीं बनाते, चार चक्के वाला बनाते हैं। एनीवे, तो चार चक्के के अंदर हम लोग जो सीएसी के साथ जो टाई अप किया हुआ है, अभी मतलब एक साल होने को आ गया, लास्ट मंथ हम लोग, गौरव जी जैसे आप लोग को बताया, हम लोग 125 गाड़ी फर्स्ट टाइम क्रॉस किया, 100 गाड़ी फर्स्ट टाइम क्रॉस किया, और उम्मीद है कि ये नंबर्स और बढ़ेगा। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा इश्यूज था हम लोग का ये प्रोसेस सेटल होने में, लेकिन फिलहाल प्रोसेस सेटल हो चुका है, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीएससी के साथ हम लोग जो टाई अप बना के रखे, तो इसमें पांच टाइप ऑफ व्हीकल, पांच तरह का गाड़ी हम लोग लीड रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, राइट? पांच तरह का गाड़ी लीड रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके अंदर होगी आपका कार्गो व्हीकल भी हो गया और पैसेंजर व्हीकल भी हो गया। तो कार्गो व्हीकल के अंदर आप लोग सब टाटा एस के बारे में जानते हो, छोटा हाथी। छोटा हाथी लेके मुझे किसी को कुछ समझाना नहीं है, ये एक ब्रांड है और ये एक ऑल इंडिया ब्रांड है। आप नॉर्थ से शुरू करके साउथ चला जाओ, ईस्ट से शुरू करके वेस्ट चला जाओ, टाटा एस अगर किसी को छोटा हाथी बोलोगे तो उसको समझ में आ जाएगा ये भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। तो टाटा एस हो गया अपना मिनी ट्रक, ठीक है? तो टाटा एस से ऊपर वाला जो सेगमेंट आता है पिकअप में, तो पिकअप सेगमेंट के अंदर हम लोग अपना दो प्रोडक्ट है, इंट्रा और योद्धा। तो कार्गो के अंदर अपना तीन प्रोडक्ट ऐसे रखा हुआ है जो आप लोग जिसका लीज रजिस्टर करा सकते हैं, एक हो गया एस, एक हो गया इंट्रा और एक हो गया योद्धा। एस, इंट्रा और योद्धा हो गया आपका पिकअप व्हीकल, एक हो गया छोटा पिकअप और एक हो गया लार्ज पिकअप, ठीक है? और पैसेंजर के अंदर हमारा दो अलग अलग गाड़ी है, एक हो गया मैजिक, अगर आप रूरल एरिया में, विलेज एरिया में अगर आप देखोगे या थोड़ा सिटी के बाहर देख लेते हो, तो मैजिक का रूट्स हर जगह रहता है। मैजिक में बहुत लोग लोकेशन है से लोकेशन भी ट्रेवल करता है, मैजिक भी आप लोग सब देखे ही होंगे। तो मैजिक का है ऑप्शन, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है विंगर। तो विंगर आप लोग देखे होंगे, विंगर एम्बुलेंस में आता है और विंगर का स्कूल वेरिएंट भी आता है जो स्कूल्स लेके चलाता है फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बच्चे के लिए छोटा छोटा विंगर, 16 सीटर, 20 सीटर, 21 सीटर वाला जो मॉडल्स है ये रखे हुए। तो एक मिनट सर, स्क्रीन चेंज हुआ क्या? नहीं सर, अब हुआ, अभी अभी हुआ ना जी। ओके, तो ये जो पांच प्रोडक्ट्स है जिसको जिसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा था,
एस इंट्रा योद्धा और मैजिक और विंगर। तो जैसे अगर हम लोग प्राइस पॉइंट में आते हैं, अभी कमर्शियल व्हीकल कोई भी ले सकते हैं, कोई भी बिजनेस, जो कोई भी बिजनेस कोई कर रहा है, छोटा सा बिजनेस कर रहा है और या करना चाहते हैं, फॉर देम कमर्शियल व्हीकल एक अपॉर्चुनिटी है लाइवलीहुड का, फॉर अ बेटर लाइवलीहुड। ठीक है, तो अपना जो एस है, एस गोल्ड जो बेसिक मॉडल है, सिर्फ 4.25 लाख रुपया एक शोरूम प्राइस है। चार चक्का गाड़ी आप समझो, सिर्फ 4.25 लाख रुपया में। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग तरह तरह का स्कीम्स चला रहे हैं, 95% लोन हो जाएगा ऑन रोड। ठीक है, तो हार्डली 30-40 हजार रुपया, उससे भी कम, उतना अगर किसी के पास बजट है उसमें एस गोल्ड आ जाएगा, मतलब खरीद सकता है। तो सिर्फ 4.25 लाख रुपया में हम लोग चार चक्का गाड़ी दे रहे हैं, और एस के अंदर मैं आप लोग को बताऊं अपना 3 अलग अलग फ्यूल फॉर्मेट में ये अवेलेबल है। टाटा एस गोल्ड जो 4.25 लाख का है, पेट्रोल में अवेलेबल है, डीजल में अवेलेबल है और सीएनजी में अवेलेबल है। फिलहाल आप लोग अलग अलग रिज क्षेत्र में, नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो काफी जगह में सीएनजी का अवेलेबिलिटी अच्छा हो चुका है, और सीएनजी की दाम पेट्रोल से तो काफी कम है, तो सीएनजी गाड़ी काफी लोग अभी लेना प्रेफर कर रहे हैं। और इसके अलावा अपने पास पेट्रोल भी है, डीजल भी है। तो टाटा एस जो है, टाटा एस ये 3 फ्यूल सेगमेंट में अवेलेबल है। एस के अंदर भी अपना अलग अलग प्रोडक्ट लाइन्स है, पेट्रोल सीएक्स है, डीजल प्लस है, एचटी प्लस है, सीएनजी, सीएनजी प्लस, अलग अलग टाइप ऑफ व्हीकल। अगर एक टन का रेंज, रेटेड एक टन, मतलब इसमें आप 1500-1600 किलो तो आराम से जो ऑपरेटर लेके जाता ही है, लेकिन अगर कोई एक टन पेलोड का रेंज में गाड़ी मांगता है, अपने पास बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, और इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पेट्रोल डीजल या सीएनजी का चूज हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एस पोर्टफोलियो। दूसरा आ गया हमारा इंट्रा। तो इंट्रा हो गया छोटा पिकअप। पिकअप के अंदर हमारा दो गाड़ी आता है, एक हो गया इंट्रा, एक हो गया योद्धा। इंट्रा के अंदर दो मॉडल है, इंट्रा V30 और इंट्रा V10। तो V30 जो है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, 1300 kg पेलोड का गाड़ी है। ठीक है, और मार्क पिकअप जो लार्ज पिकअप जो बिकता है, लार्ज पिकअप से इसका दाम काफी कम है। तो 1300 kg पेलोड हम लोग वैसे लिख के दे रहे हैं, इसमें तो आराम से आपका डबल वेट जो ऑपरेटर्स लेके चलता है। और दूसरा हो गया इंट्रा V10। तो छोटा पिकअप के अंदर हमारा दो प्रोडक्ट्स है, और लार्ज पिकअप जो है, लार्ज पिकअप में हमारा आता है योद्धा। तो योद्धा के अंदर अगेन 3 अलग अलग पेलोड कैटेगरी में गाड़ी आता है, 1200 kg, 1500 kg और 1700 kg। फिलहाल 1700 kg तक हमारे पास गाड़ी अवेलेबल है। ठीक है, और योद्धा जो है, योद्धा का परफॉर्मेंस आज के दिन में एक नंबर है, एक नंबर परफॉर्मेंस है। गाड़ी में कोई ब्रेकडाउन नहीं है, मस्त सर्विस सपोर्ट है। टाटा का जो सर्विस नेटवर्क है आप लोग सबको पता है, कहीं पर आप चला जाओ, लद्दाख से शुरू करके कन्याकुमारी, टाटा का सर्विस सेंटर से आप कभी दूर नहीं रहोगे। तो योद्धा हो गया अपना लार्ज पिकअप विद 1700 kg पेलोड। ठीक है, और इसके अंदर भी अपना अलग अलग फॉर्मेट आता है, कभी क्रू केबिन आता है, मतलब अगर आप समझ लो कोई किसान है, खेती करता है, तो फील्ड में लेके जाना है गाड़ी, तो क्रू केबिन ले लिया, पीछे पैसेंजर बैठने वाला उसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसमें कभी खेती का काम भी हो गया, कभी मंडी में चला गया कुछ सामान खरीदने के लिए, या कभी फैमिली को लेके कहीं पे चला गया घूमने के लिए, तो योद्धा के अंदर क्रू केबिन का, डबल केबिन का ऑप्शन आता है, सिंगल केबिन का ऑप्शन आता है, एसी आता है, नॉन एसी आता है। तो इतना सारा प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, और हमारा जो टीम है, टाटा मोटर्स का जो टीम है, डीलरशिप टीम है, सब जगह में अवेलेबल है। आपको सिर्फ इसका लीड हमें बताना है, टाइमली सिस्टम में जनरेट कर देना है, और हमारा जो कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर फिर फोन लगा देता है कस्टमर को, आप लोग को भी। तो टाइमली बता देना चाहिए कि कोई भाई, कोई किसान बंधु गाड़ी लेने के लिए इच्छुक है, और बाकी काम हम लोग कर लेंगे। तो कार्गो सेगमेंट के अंदर ये 3 मॉडल हो गया। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं पैसेंजर में। कार्गो में और एक गाड़ी आता है, अभी हम लोग फिलहाल ये विंगर जो है, विंगर हम लोग कार्गो में भी दे रहे हैं,
लेकिन मैं इसको ये थोड़ा सा मतलब सिटी एप्लीकेशन में ज्यादा है एंड ये सिटी के अंदर कैप्टिव में थोड़ा ज्यादा है, तो ये लेके हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, ठीक है। तो अभी आ गया अपना मैजिक, जो मैजिक लेके पहले भी बात हो रहा था। मैजिक में 10 सीटर है, एकदम हार्ड टॉप गाड़ी है, ठीक है, 9 सीटर प्लस ड्राइवर। तो इसका भी आप लीड दर्ज करा सकता है, इंक्वायरी दर्ज करा सकता है अपना सिस्टम में, और तुरंत नेक्स्ट डे हमारे पास आ जाएगा। और लास्ट जो प्रोडक्ट है ये है टाटा विंगर। विंगर का अलग अलग ऑप्शन आता है, विंगर में 3 एप्लीकेशन में विंगर यूज होता है। एक हो गया एम्बुलेंस पर्पज, मरीज को हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए। एक हो गया स्कूल पर्पज, छोटा छोटा स्कूल है जिसके पास बस खरीदने का बजट नहीं है या उसके पास उतना बच्चे नहीं है बस खरीदने के लिए, तो वो विंगर खरीदते हैं, ठीक है। और विंगर एकदम एसी के साथ भी आता है, नॉन एसी भी आता है, एकदम कवर्ड व्हीकल, वेरी सेफ व्हीकल, ठीक है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। और तीसरा जो एप्लीकेशन है ये हो गया रूट या टूर्स एंड ट्रेवल। कभी एक ग्रुप बन गया 10-15 जन का, कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है छुट्टी में टूर पे, तो ये विंगर वो एप्लीकेशन में भी यूज होता है। तो अगेन हमारे पास विंगर का 3 अलग अलग वेरियंट्स है, अलग अलग सीटिंग कन्फिगरेशन है। अगर मतलब आप बताते हो तो हम लोग इसके जितना भी डिटेल्स है आप लोग के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल नहीं कर रहे बिकॉज इतना ज्यादा बता देंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितना भी डिटेल्स आपको चाहिए आप बताइए, गौरव जी को बताइए, और तुरंत आपको विद इन 1 डे ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स विल रीच, ठीक है। और आप उसको देख के कस्टमर को बता भी सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रेंज, ठीक है। और गाड़ी कौन खरीदता है, अभी आप लोग काफी जगह में मतलब हमारे पास जो फीडबैक आया कि हमें लीड आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन गाड़ी लेना, कौन कमर्शियल गाड़ी लेने वाला है। तो कमर्शियल गाड़ी तो कोई भी ले सकता है, लेकिन फॉर स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग 2 कैटेगरी को हम लोग कैलकुलेशन में ले सकते हैं। एक हो गया किसान, जो भी किसान मित्र हो गया हमारा रूरल एरियाज में, खुद के पर्पस के लिए, एडिशनल बिजनेस के लिए, साइड इनकम के लिए, बेटे के लिए वो लोग गाड़ी खरीद सकता है। दूसरा जो अनएडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएडुकेटेड नहीं बोलूंगा, अनएम्प्लॉयड यूथ है, गांव छोड़ना नहीं चाहता है, गांव में रहना चाहता है, तो उसके लिए एक गाड़ी एक प्रॉपर लाइवलीहुड का दरवाजा खोल देता है। महीने में टाटा एस लेके आराम से 20,000 रुपया 25,000 रुपया कमा सकता है। तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको भी आप पूछ सकते हो। और तीसरा जो भी गांव में रूरल क्षेत्र में जितना भी किराना स्टोर है, जितना भी स्टोर्स है, किराना स्टोर जो भी स्टोर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, काफी लोग के पास गाड़ी रहता है, तो ये लोग भी खुद के बिजनेस के लिए, कैप्टिव बिजनेस के लिए कमर्शियल व्हीकल्स लेते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपके पास सफिशियंट नंबर ऑफ लीड जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको काफी सुविधा होगा लीड्स आइडेंटिफाई करने में। और मेरा और एक रिक्वेस्ट है आप लोग को कि जब आप लीड रजिस्टर कर रहे हैं, जब आप लीड सिस्टम में रजिस्टर कर रहे हैं, काइंडली फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर जो है कस्टमर का वो ठीक से डालिए, क्योंकि बाद में क्या होता है हमारा कॉल सेंटर के पास अगर 9 डिजिट कॉन्टैक्ट नंबर आ गया या इनवैलिड कॉन्टैक्ट नंबर आ गया तो फिर आगे बढ़ता नहीं है प्रोसेस, ठीक है। तो आप लोग जब लीड डलवा रहे हो सिस्टम में, डाल रहे हो सिस्टम में, कॉन्टैक्ट नंबर काइंडली वेरीफाई करके डालिए कि यही कॉन्टैक्ट नंबर सही है, और बाकी काम फिर हम लोग का है। और जैसे आप लोग को पता है हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं, 4.5 लाख रुपया का इस जो हम लोग का रेंज स्टार्टिंग रेंज है उसमें हम लोग 3,500 रुपया इंसेंटिव दे रहे हैं CAC के थ्रू, बाकी इंट्रा में 4,500 और मैजिक में और फिंगर में 8,000 रुपया तक हम लोग दे रहे हैं, 8,000 रुपीज। तो अगर कोई महीने में 2-3 गाड़ी भी कर लेता है तो 10-15,000 रुपया तो आराम से उनका कमाई एडिशनल हो जाता है। सिर्फ हमें टाइमली लीड बता देना है और बाकी जो काम है वो अपना है। और विद दिस आई विल लाइक टू फिनिश द प्रेजेंटेशन। अगर किसी का कुछ सवाल है उसके लिए डेफिनेटली वी विल स्पेंड 5 मिनट्स। Yes.
जो बहुत बहुत हाँ गौरव जी आपका आपका वॉइस नहीं आ रहा। धन्यवाद सर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल तरीके से ये बताया कि कौन सी गाड़ी किस व्यक्ति को परचेज करनी चाहिए और किस सेगमेंट की गाड़ी किस व्यक्ति के लिए बनी हुई है, और आपने हर तबके को देखते हुए आपने जो अपनी गाड़ियां हैं टाटा ने बिल्कुल आम आदमी को देखते हुए ही गाड़ियों का अपना प्रोडक्शन किया है और अपना गाड़ियों का मॉडल जो है उसने फाइनलाइज किया हुआ है। जैसे इंट्रा है, टाटा एस जिसको हम छोटा हाथी के रूप में जानते हैं, इंट्रा है, उसके ऊपर योद्धा है, फिर मैजिक है जिसको आपको गांव गांव गली गली में ये मैजिक मिल जाएगी। विंगर जो है एक सिटी प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ऋषिकेश के जैसे एरिया में विंगर और एमपी जैसे एरिया में विंगर हमने बहुत देखी है, बहुत मतलब ऐसे फार फ्लंग एरियाज में हम लोगों ने विंगर्स देखी है जहां पर ट्रैवल एजेंट विंगर को एज अ ट्रैवल पूरा ट्रैवलर के रूप में जो है देखता है, क्योंकि काफी मजबूत गाड़ी है, एसी काफी अच्छा है इसका, और बहुत ही आप लोगों ने रेंज बहुत सोच समझ के बनाई हुई है और जो कि हर एक तबके को जो है इसका फायदा पूरा पूरा उठाना चाहिए। और मैं सभी वीएलई भाइयों और बहनों से कहूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इन सभी कंपनियों की लीड्स डालिए, क्योंकि आप लोगों को देखिए लीड डालने में मात्र आपका 30 सेकंड जाता है। अगर आप लोग महीने की 100 लीड डालते हैं तो आपके ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट जाते हैं, लेकिन वो 30 मिनट आपको 20-25 हजार रुपए से लेके 1-1.5 लाख रुपए तक की कमाई दे सकता है, जो कि आपका एक पैरेलल साधन बन सकता है कमाई का और बिजनेस का। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग इस चीज को जाने। तो सर दो सवाल हैं, मैं जरा सवाल ले लेता हूँ। एक मिनट सर, वीएलई बंधु को और एक बार बताए कि आप जो लीड डाल रहे हो सिस्टम में, कोई गाड़ी लेना चाहता है भले ही, मतलब उसको सिर्फ इच्छा प्रकाश करना चाहिए कि मुझे गाड़ी चाहिए, टाटा हो दूसरा कंपनी हो कोई भी, जस्ट इच्छा प्रकाश करे उसका आप लीड डाल दो। अपने पास जो डीलरशिप है, डीलरशिप का जो सेल्समैन है एकदम बैठ के उसको समझा के गाड़ी भेज देगा, ठीक है। तो सिर्फ अगर किसी का मन में इच्छा आ जाए कि गाड़ी चाहिए, आप लीड डाल दो बस, और कुछ बताइए गौरव जी, बताइए क्या सवाल है, क्या प्रश्न? बहुत अच्छा का सर। तो हमारे कुछ वीएलई भाई हैं जो जानना चाहते हैं कि सर ये जो प्रोडक्ट है इस पर वीएलई भाइयों और बहनों के लिए जैसे बाकी टाटा के प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट्स होते हैं, तो इस पे भी कोई त्योहार के मौके पे कुछ डिस्काउंट्स आने की उम्मीद है? देखिए फिलहाल हम लोग अलग से डिस्काउंट्स नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन देखो आप लीड डलवाओ सिस्टम में फिलहाल कोई डिस्काउंट एडिशनल नहीं है, ठीक है। बट आज अभी अगस्त है, सितंबर में क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, आप सिस्टम में लीड डलवाइए। अगर कोई अलग से स्कीम चल रहा है आपका जो लीड है उसको मिलेगा एडिशनल, अगर कुछ चल रहा है तो मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, आप लीड डलवाइए। जी बहुत 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 धन्यवाद सर। और इन सभी प्रोडक्ट्स पे लोन और फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है सर? 95% ऑन रोड में फाइनेंस हो जाएगा, टाटा का कोई भी गाड़ी 95% में हम लोग फाइनेंस कर देंगे। किसी के पास अगर 40-50 हजार रुपया का पूंजी है, बजट है, तो उसको हम लोग गाड़ी दे सकते हैं। वेरी गुड। तो देखिए मतलब अगर मात्र 50 हजार रुपए से भी आप अपना अगर अपना खुद का बिजनेस, क्योंकि इसको मैं बिजनेस ही बोलूंगा, बिजनेस इसलिए है क्योंकि कमाई का साधन है आपका। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई साधन नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो मात्र आपको 50 हजार रुपए इकट्ठा कर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं जल्द से जल्द। गौरव जी ये बिजनेस है, ये चक्के बढ़ते रहते हैं, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 20, ठीक है। तो बिजनेस है, शुरुआत करने का बस सिर्फ है और फिर चक्का बढ़ते रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपने बहुत ही विस्तारित तरीके से, बहुत सरल तरीके से वीएलई भाइयों और बहनों को समझाया, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आपकी सभी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और अच्छा करके आपको बढ़िया से बढ़िया ज्यादा से ज्यादा लीड्स आपको भी और बाकी सभी पार्टनर्स को हम लोग जो है त्योहार के मौके पे हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे आपके लीड जनरेशन प्रोग्राम में, जो हम लोगों ने ये प्रोग्राम और ये मुहिम जो स्टार्ट की है। तो मैं अब सभी वीएलई भाइयों और बहनों से विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करते हुए, आप लोग जुड़ते रहिए हमसे इसी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले त्योहारों की अभी से ही शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।